बर में मेरे यरबनो खरबनो की वे संपत्ति पात न रही ना कोई चीज सात दिना मुए भूखे पीते। मैंने अपनी रानी से कहा तो मेरी भाभी के पास चली जाओ, शेर भरे आटा ले आओ और मेरे लिए खाना बना के खिला दो तो मेरे प्राण बच सकते। सुनते ही गई है भवज के पास, शेर भरे आटे की भीख जब मांगी एकदम मारी कमर में लात। लौटे तुम्हें ती बाप से है गई। मैंने अपनी रानी से कहा खाना बनाया नहीं नहीं, क्यों? तुम्हारी भाभी ने मेरे लिए आटा नहीं दिया। मैंने की बारे बार जब जर पास होती है तो लाखों यार होते हैं और बिगड़ी में टूट जाते हैं ये भी रिश्ता खास। जो भैया घरैया पीठ मोए दे गए गोली सबुई भूल गए आज बिगड़ी बात में धीर न धर रो। आज सगी भाव बदलने लात मार दई। मैंने अपनी रानी से कहा अब नरवर में तो औखा नहीं कटेगी, क्यों? किसी ने कहा है देश चोरी पद्देश भीख, चल कहीं अब पद्देश रहेंगे। नरवर छोड़ो सोबत सेरो चल के पहुंच गो चौराहे पे। मैंने अपनी रानी से कहा रानी ये चौराहे की रास्ता है, ये रास्ता तुम्हारे पीहर भीमसकेल के लिए जा रही है, ये रास्ता देश मालुए के लिए जा रही है, ये रास्ता सियानगर के लिए जा रही है और ये रास्ता मेरी बहन महानगर के लिए जा रही है। मैंने बता कहाँ चलें? कहने लगी महाराज मैंने घर तेल कर कबू आंगन लाए देखो, कहा को कह दूंगी भरतार सीधे लगा लो मेरे प्यार की। मैंने जो कछु गलती कर दई बाबुलते गलती सिगरिया लूंगी अपनाए पैर पकड़ लूंगी रे बाबुल के। मैंने अपनी रानी से कहा तुम्हारे पीहर में तो औखा नहीं कटेगी, क्यों? पहले के बड़े बूढ़े कहते थे कि घर पे जमैया फूल बराबर, रास्ता में आ जाए तो आधो और घर रे लेकर तो गधा बराबर, मनो आवे तब लादो। तुम हो बिन भैया की बहन आज को भैया तेरो हो तो पीठ पे ओ खा कटती तेरे देश। बिन भैया की नारे बहन है मिलगी तुम्हारे पीहर में तो औखा नहीं कटेगी। मानो मेरो कहना बराबर में ये महानगर पैर है या मेरे यार मनसुख की रहती है बहना, वो मेरी बहना तेरे उस साल की औखा काट सकती है। मैंने सीधे लगा ली तात न तेरी तेरे पोचो न लखा बाग मालिक के हाथ तक खबर पठवा दई। मैंने कहा भैया माली तुम हमारी बहन के पास चले जाओ, कह देना तुम्हारे भैया और भावा जाए उनके लिए खाना बना दो।
वे पूछे किस रूप से आए, तन लटे फटे कपड़ों से आए। सुनते ही माली पहुंचो तेरे पास, जाय के खबर तो ए माली ने सुनाई। फिर तेने क्या किया, क्या किया, तेने घोड़ा के दाने की रोटी कंठी प्याज की तैरे धरवाए, थोरो नमक यरो थोरो कोयला, मोकारो करे यरो बाघते चलो जा। अरे हया बेगो मोए लजा बेगो, पाप से पहुंचो माली मेरे पास। मैंने कहा माली से, भैया माली हमारी बहन कितनी दूर है? तो माली ने कहा जब तुम राजा थे तब तुम्हारी बहन थी, आज वो त्यारे लिए डाहन बन गई। मैंने अपनी रानी से कहा, मैंने कि होगा सो देखा जाएगा, फटाफट रोटी खोल। जब काठे अरे खोली रोटी की, एकदम रोए परी मेरी नार, ऐसी ननद पे परे बिजली, पैर ने धर ना सकी मेरे धीर। तुम तो कह रहे पते नर वर बारे, ओ खा काटेगी मेरी बहन। अरे पारे साल की पतियो खा है, आ रही है याद और फट रही छाती, कैसे कर लिंगो भेली मंजूर, धनते चली जा मेरे द्वारे से, कै भेली अम्बो को नाए मंजूर। भेली हम को नाए मंजूर, पतना याद करो यो खाकी, मैं न भूली भूलो जमानो, क्या तातन रूठ गए भगवान, तीने लोक के अंतरयामी। ऐसी मेरे लिए मालूम नहीं थी, जिस टाइम मुझसे जाकर के माली ने कही कि तुम्हारे भाई साहब फूलबाग में आए, तो मेरे लिए ये नहीं बताया माली ने कि तुम्हारे भाई इस रूप से आए, और मेरे लिए ये बात बताता तो मैं क्या करती आपके साथ में, क्या करती तुम, हाथी सजाती नल भैया का, टोली लेती भाबज को सजवाए, बारह साल की औखा पर गई, मेरे बिरना मैं तोती चौदह की कोई काटे, अरे बा महानगर में। भेली मेरी सैर नर भर में शादी, बेटा की तरफ आए दे ओरे।
अरे पिरन मेरे नर बरबारे एक कई हो मुसे तो के लियो गलती कर दैया मेरी माप बात की भेली लेके आई गई हो जान धुनी में भैया लाख लगे हो मोती बिना भात के सोवा ना मरेगी मोती शादी तो बेटा की करवाए करके आसमे आए गई नरे भर में मेरे पीरन गलती कर दियो मेरी माप आज जा शेर नर भर में ये 50 रुपये का पुरस्कार मानिए आपके सामने ऑर्गन पर संगत दे रहे हैं मास्टर किताब सिंह यादव जी कस्बा रेहडनी के रहने वाले हैं और 20 रुपये का पुरस्कार मानपुर के रहने वाले रजनेश यादव जी ये हमारे बड़े मिलने वाले हैं और ये मेरे लिए 20 रुपया पुरस्कार करते हैं के भागीरथ गंगा को लाए मनोतारण को परिवार आप तरे और गुणवा तारू तरे और गुणवा तारू माने तार दो संसार आप तरे और गुणवा तारू भैया प्यारे सेगरे तो भैया जुकी और जोड़ा मैया अरे बबुला से अमर है जाए और 20 रुपये का पुरस्कार सत्यवीर सिंह रजनेश के चाचा ये 20 रुपया पुरस्कार करते हैं आजो चचा भतीजे कोई रे झटका है शेर ने लगवाई दई बढ़े के छाप मेरो ऐसे ही रही सनो मेरे साजू है कामू जी को रे बखाने ₹10 का पुरस्कार गुरु डीजे धुरे की मुड़िया के रहने वाले ये ₹10 पुरस्कार करते हैं और ₹20 का पुरस्कार कानचंद लल्ला के बाबा ये ₹20 पुरस्कार करते हैं और ₹20 का पुरस्कार रविंदर लल्ला के ताऊ ये ₹20 पुरस्कार करते हैं और 50 रुपये का पुरस्कार लल्ला के पापा लोकेश ये 50 रुपये पुरस्कार करते अर नदिया नर्मदा में जल गर जय और गर जय गंगा की धार जैसे गर जय मेरी सभा में जैसे गर जय मेरी सभा में मानो सरसा में मलखान जैसे गर जय मेरी सभा में लल्ला के बाबा दानचंद ये 20 रुपये फिर पुरस्कार करते हैं अरे कब हुआ रगन रे बगन मन भूले कब हुआ प्रखर रे हो तब पतझार और कब हुआ लवारे ले तयंडन पे कब हुआ हवारे सुरग किए प्यार Thank you.
से चली जाओ मेरे समनक से। अच्छा मेरी भेला भेली हमें नहीं मंजूर, बहन जा सर नर पर मेरे। और 20 रुपये का पुरस्कार परमान खेड़ा के रहने वाले, और 50 रुपये का पुरस्कार ओमकार सिंह दूधिया, ये 50 रुपया पुरस्कार करते हैं। अरे काटो प्रिया गोरे कसकतु है, गोदी में कसके सोत को लाल, और मैया बाप को बेटी कसके जब बिहार में करे सिंगार। और 20 रुपये का पुरस्कार लल्ला के बाबा दानचंद, ये 20 रुपये फिर पुरस्कार करते हैं। अरे राव के तू लगे रे लक्ष्मण से, सीते लगी रे बृहस्पत छाए, और चढ़ो रे शनि चरो राम रे चंद्र पे, चौदह बरस रे कहे वनवास। अरे बंसी बारे ते लड़ाई ले दो